मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की जो क्लास है इसमें महिला कांस्टेबल से जुड़ी जरूरी सूचना, फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड इसमें जरूरी सूचना हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपसे तीन पॉइंटों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, ठीक है। सेकेंड, फिजिकल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद तीन नंबर पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, आप सभी को क्लियर है महिला कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ साथियों, अभी इसी महीने में 18 और 19 तारीख को दो डेट में आपका पेपर हुआ है, ठीक है। और कितनी शिफ्टों में पेपर हुआ है? तीन शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका अब जो भी आने वाला है आप सभी को क्लियर है, आपका जो भी रिजल्ट होगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आने वाला है, जो हम पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट कब आने वाला है? तो मैक्सिमम आपके यहाँ पे 7 से 10 दिन के अंदर आपका महिला कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा हमने आपको यहाँ पे दिन बताए हैं, मैक्सिमम 7 से 10 दिन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। और जो ये फिजिकल है ये आपका फीमेल कांस्टेबल और आपका जो फीमेल एसआई का जो एग्जाम अभी 26 सितंबर को जो पेपर होगा आपका, किसका पेपर है? फीमेल एसआई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी आपका 26 सितंबर को जो पेपर होने वाला है, इन दोनों का ही जो फिजिकल है वो आपका अक्टूबर महीने की, जो अभी अगला जो महीना आने वाला है अक्टूबर के दूसरे और तीसरे सप्ते में आपकी संभावना है फिजिकल होने की, ठीक है। जो फिजिकल है फीमेल कांस्टेबल और फीमेल एसआई, इन दोनों का ही जो फिजिकल है वो अक्टूबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ते में होने की संभावना है, ठीक है। इन फीमेल कैंडिडेट को 50 प्लस नंबर है, ठीक है, 50 से ज्यादा नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक है। 50 से एक या दो नंबर कम भी है तो आप भी फिजिकल की तैयारी तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इसमें किस प्रकार से रिजल्ट को लिया जाएगा वो तो आप सभी को क्लियर है, लेकिन जिनके 50 या 50 से ज्यादा नंबर है आप सभी को फिजिकल की तैयारी जरूर करनी है, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तीसरी हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना है प्रेग्नेंट महिलाओं से रिलेटेड, इसको भी ध्यान से समझिए। जिस समय फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय वो फिजिकल के लिए बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, लेकिन अब कुछ फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट होने के कारण टेंशन में है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद रेस लगाना सभी को पता है काफी मुश्किल होता है, ठीक है। कोई भी महिला ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि उसको और उसके बच्चे को कोई नुकसान हो, लेकिन अब अक्टूबर में आपका जो फिजिकल और रेस ये दोनों ही चीज होनी है, ठीक है। कौन से महीने में? अक्टूबर के, हमने अभी आपसे डिस्कस किया है, दूसरे या तीसरे सप्ते में आपका जो फिजिकल है उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो जो फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट है आप टेंशन ना लीजिए, आपको हम बता दें कि आपका जो फिजिकल है वो बाद में ट्रेनिंग सेंटर में लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो फिजिकल है वो बाद में ट्रेनिंग सेंटर में लिया जाएगा, ठीक है, और आपकी जो एक सीट है वो रिजर्व रखी जाएगी। बाद में जब आपका फिजिकल होगा 4 या 5 महीने के बाद, जब आप फिजिकल देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सूचनाएं थी जो हमने आपसे डिस्कस किए। तो आपके पास यहाँ पे टाइम बहुत ही कम है, फिजिकल की तैयारी आप अच्छे से कीजिए, जिनके 50 से प्लस नंबर है, ठीक है, एक या दो नंबर कम भी है, हमने पीछे भी डिस्कस किए, आप जरूर कीजिएगा। आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 7 से 10 दिन के अंदर आने वाला है, ठीक है। फीमेल कांस्टेबल और फीमेल एसआई, ध्यान रखेंगे दोनों का जो फिजिकल है वो आपका अक्टूबर महीने में 2 से 3 सप्ते में शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो महिलाएं एसआई का पेपर अभी जो 26 सितंबर को होने वाला है, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आएगा, और ध्यान से समझिए 2 से 3 सप्ताह में, अक्टूबर के दूसरे तीसरे सप्ते में भी आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। टाइम कम से कम है तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे फिजिकल की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आपके सपने यहाँ पे साकार हो, आपको यहाँ पे जॉब मिले, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आज की पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे इसमें जो हमने आपसे सूचना डिस्कस की वो आपको कैसे लगी, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।